हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने बेटा मैं एफकैट का नोटिफिकेशन लाया हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ में कवर करूँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नोटिफिकेशन इज़ आउट, ठीक है। ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट जनवरी 2020 का नोटिफिकेशन है। इट इज़ फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, ठीक है। उसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री है। और ये जो कोर्स स्टार्ट होगा, जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, ये जो कोर्स स्टार्ट होगा एकेडमीज़ में, ये होगा जनवरी 21, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 30 दिसंबर तक हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए साइड में, 1 दिसंबर 19 से लेकर 30 दिसंबर 19 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सी वेबसाइट से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे? वेबसाइट इज़ आल्सो गिवन, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है, careerindianairforce.cdse.in और afcat.cdse.in। दोनों वेबसाइट्स में आप ट्राई करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा? फिर आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में। योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 22 फरवरी 2020 एंड 23 फरवरी, ठीक है। तो 2 दिन है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है। आगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, अब देखते हैं बेटा एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देखने के लिए यहाँ पर तो आपको टाइप ऑफ एंट्रीज दे रखी हैं, ब्रांचेस दे रखी हैं और उसके अलावा वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, वो है एलिजिबिलिटी ऑफ एज, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आते हैं। और नेशनैलिटी के लिए तो हाँ, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो तो हमें मालूम ही है। लेकिन एज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो एज में डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले आते हैं फ्लाइंग ब्रांच में। फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री, दोनों से फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। 20 से 24 साल है। अब 20 से 24 साल आप कैसे चेक करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 20 से 24 साल बच्चे की एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आप 24 साल के हैं लेकिन 1 जनवरी 2021 में आपकी एज 24 से ऊपर हो जाएगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। जब आपका कोर्स कमेंस होता है हम तब देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन इन द एकेडमी। तो वह है 1 जनवरी 2021, ठीक है। सबसे ईजी तरीका क्या है, देखो एज का विंडो दिया है। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू चेक योर एलिजिबिलिटी। कैसे चेक करेंगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ देखना। अगर वह 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2001 के अगर बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग दिस टू डेट्स ऑल्सो, ठीक है। ये 2 डेट्स भी आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, 2 साल का रिलैक्सेशन है किसके लिए, जिसके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA बोलते हैं उनको, 2 साल का रिलैक्सेशन है। तो 26 साल उनका भी डेट ऑफ बर्थ का विंडो दे रखा है, दैट इज़ 2 जनवरी 1995 टू 1 जुलाई 2001, ठीक है। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगेन बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव। अच्छा, ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए क्या है, ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए अगेन 2 साल ज़्यादा होते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस दोनों होती हैं। 20 से 26 साल, तो 20 से 26 साल का जो एज विंडो है वो है 2 जनवरी 1995 टू 1 जनवरी 2001, ठीक है। तो ये एज का विंडो है, इसके थ्रू आप बहुत ईजिली अपनी एज चेक कर सकते हैं दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस कमिंग कोर्स और नॉट, ठीक है। अच्छा, मैरिटल स्टेटस भी मैं आपको बता दूं, 25 साल से अगर आपकी एज कम है और आप मैरिड हैं सो यू आर नॉट एलिजिबल। 25 साल से ऊपर आपकी एज है और आप अगर मैरिड हैं तो यू आर एलिजिबल, लेकिन साफ साफ लिखा है इसमें दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउडेड और यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी मैरिड अकोमोडेशन और आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें दी हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर कर रहे हैं बेटा। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं अब हम। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेटा ध्यान देना, ठीक है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। फ्लाइंग ब्रांच में साफ साफ लिखा है कि ये मैंडेटरी है, इट इज़ मैंडेटरी दैट
यू शुड हैव 60% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स इन एट सब्जेक्ट्स, 60% इन एट सब्जेक्ट्स एट योर ट्वेल्थ क्लास में, उसके अलावा या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 3 ईयर्स का जिसमें आपकी 60% हो, मिनिमम 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन लाइक BA, BSc, BCom, उसके अलावा या तो आपने BTech किया हो या बैचलर इन इंजीनियरिंग BE किया हो, 4 साल का कोर्स है, अगेन 60% मार्क्स आपसे मांगे हैं, ठीक है। तो याद रखना, ट्वेल्थ में मैथ्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए ट्वेल्थ लेवल में, उसके अलावा ग्रेजुएशन या तो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन हो नॉर्मल ग्रेजुएशन, या इंजीनियरिंग आपने करी हो 4 साल में, लेकिन दोनों ही ग्रेजुएशन में 60% इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो टेक्निकल एज द नेम सजेस्ट इसमें इंजीनियरिंग तो चाहिए, तो इसमें भी पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, इन्होंने टेक्निकल को ना दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, एक तो एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन्होंने कौन कौन सी ब्रांचेस दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर कौन कौन सी ब्रांचेस आती है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिजिक्स और मैथ्स ट्वेल्थ लेवल में 60% मार्क्स ज़रूरी है, ग्रेजुएशन में अगेन मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में कौन कौन सी डिसिप्लिन या कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ब्रांचेस में तो दिक्कत आती है बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ SSB, वो चेक करते हैं वेरिफिकेशन में बच्चे बाहर हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन है, सारे एक ही ब्रांचेस हैं लेकिन नाम थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू विद दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ और अदर ब्रांचेस भी हैं लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये तो कोर ब्रांच है तो ये तो रहता ही, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है सिर्फ, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होती है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये सारे ही नाम इन्होंने मैंशन किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव भी मैंशन किया है ब्रैकेट में, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए थे क्योंकि जिन बच्चों की ब्रांचेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल थी वो बहुत बाद में ऐड हुए, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन था, ठीक है, तो बाद में इन्होंने फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी ऐड किया। तो ब्रांचेस तो सेम है लेकिन नॉमेनक्लेचर नाम अलग होने की वजह से बच्चों को वो नहीं लेते थे वेरिफिकेशन में, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कुछ ब्रांचेस के मैंने नाम नहीं लिए हैं तो आप एक बार पॉज करके इन ब्रांचेस को देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने कहा था ना कि इन्होंने जो इंजीनियरिंग जो टेक्निकल है उसमें इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा है, जो दूसरी कैटेगरी है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, और इसके अंदर जो 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 रिक्वायरमेंट है वो तो सेम है पहले वाली, 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स एट 12 लेवल, उसके अलावा जो आपने इंजीनियरिंग करी है उसमें 60% चाहिए, लेकिन वो डिसिप्लिन कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन्होंने दिया है, एरोनॉटिकल दिया है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस दिया है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो प्लीज़ गो थ्रू विथ ऑल दिस डिसिप्लिनस, नॉमेनक्लेचर मैच कर लेना, ठीक है, ओके। चलो अब ग्राउंड ड्यूटी में आते हैं बेटा, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं, ठीक है, इसमें तो बहुत इजी है, इसमें तो आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकता है लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। लॉजिस्टिक की बात करें, अगेन ग्रेजुएशन 3 साल का हो या 4 साल का हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, 60% मार्क्स चाहिए। अकाउंट्स के लिए ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स के लिए कॉमर्स डिसिप्लिन होना चाहिए विथ 60% ऑफ मार्क्स मिनिमम, ठीक है, ओके। अच्छा, NCC स्पेशल एंट्री की बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। NCC की जो स्पेशल एंट्री है उसमें साफ साफ लिखा है दैट NCC का जो सी सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए एयर विंग सीनियर डिवीजन में, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों को जो मिला है वो या तो 1 दिसंबर 2017 को मिला हो या उसके बाद का हो, उससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। उसके अलावा अगेन 60% मार्क्स चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं एयरफोर्स में, ये बड़ा मांगता है ट्वेल्थ में मैथ्स और फिजिक्स में, कहीं ना कहीं बच्चों से
60% मार्क्स मांगता है, ठीक है, और उसके अलावा ग्रेजुएशन में अगेन 60% मार्क्स, ठीक है। तो एनसीसी सी एंट्री के लिए भी अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए हमेशा ट्वेल्थ में मैथ्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स मांगता है, ठीक है, उसके अलावा ग्रेजुएशन में 60% तो मांगता ही है। ओके, उसके अलावा एक नोट भी दिया है कि एलएलबी क्वालिफाइड इंटीग्रेटेड और ड्यूल डिग्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है लीगल ड्यूटीज़ ज्वाइन करने की एयरफोर्स की, ठीक है। तो एयरफोर्स में हर आर्म्ड फोर्सेज में लीगल ड्यूटीज़ होती हैं बेटा, ठीक है। ओके, एनी डाउट? चलो, इसके बाद फिर कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सारा दिया है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद वही सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंशनड हैं, ठीक है। हाँ, एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी है? 250, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी इज़ रुपीज़ 250, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीज इज़ रुपीज़ 250 विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ठीक है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, साफ साफ लिखा गया है, इट इज़ नॉन रिफंडेबल, कोई बात नहीं। और आपको जो पेमेंट करना है वो आप कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू नहीं कर सकते, वो तो हमें पता ही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो किसके थ्रू कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया, इन गेटवेज के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, वेरी इजी, आप लोग सभी करते हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, वो सारा मेंशन है बेटा, प्लीज़ गो थ्रू, ठीक है। इसमें बच्चे का पूरा नाम, फादर्स नेम, मेल आईडी, सारी चीज़ें हैं, देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट का नाम, टेंथ में, और उसके अलावा सेकेंडरी एड्रेस क्या है, मेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें मैंशन हैं, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले गो थ्रू विद दिस ऑल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं, डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, जेंडर, ठीक है, सारा बच्चा भरता ही है, ठीक है, बच्चे दे आर ऑल अवेयर ऑफ इट, सभी ने फॉर्म्स तो भरे रहती हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट, इवन गेट का स्कोर भी मांगता है, ठीक है, ईयर ऑफ अपीयरिंग और गेट का स्कोर कितना है, फिर परमानेंट एड्रेस है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, फोटोग्राफ यू हैव टू अपलोड, क्योंकि फोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे वही फोटोग्राफ आप ले जाते हो एडमिट कार्ड के साथ जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, उस पर मैं अभी आता हूँ, ठीक है। और फिर एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग देखते हो, 5 चॉइसेस देते हो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, और फिर आपका एक सेंटर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, इसके अलावा मैं थोड़ा सा टाइमिंग्स की बात आपसे करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग्स मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दो शिफ्ट में बेटा होता है, शेड्यूलिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, तो कब कब ये एग्ज़ाम है वो तो आपको पता ही है, 22 फरवरी और 23 फरवरी को एग्ज़ाम है। उसके अलावा आपकी शिफ्ट्स कैसी रहेंगी, ठीक है, तो कैंडिडेट्स सुबह 8 बजे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिर 8 से 9:30 बजे उनका वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद 9:30 से 9:45 वो लोग इंस्ट्रक्शंस सारे पढ़ते हैं, देन 9:45 से 11:45 उनका पेपर होता है। तो एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है 8 बजे की, और फिर एक सेकेंड शिफ्ट है 12:30 की, ठीक है, तो वही 22 तारीख चलेगी, वही 23 को भी चलेगी, ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ओके, उसके अलावा साफ साफ लिखा गया है कि बेटा आप 8 बजे से पहले पहले या 8 बजे तक आप अपने जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है उसमें आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच जाइएगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं बेटा, तो सिलेबस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए जानना, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो एफकैट के पेपर में जनरल अवेयरनेस आती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीज़ें आती है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश आती है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है अप टू द लेवल ऑफ 10th, इसको भी हम देखेंगे, फिर रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स अवार्ड होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी टेक्निकल बच्चे हैं उनका EKT का टेस्ट होता है, इसको हम इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, और इसमें मैकेनिकल से चीज़ें पूछी जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बेसिक पूछा जाता है आपकी अपनी स्पेसिफिक ब्रांचेस से, 45 मिनट्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 150 विल बी द टोटल मार्क्स, ठीक है। चलो, थोड़ा सा डिटेल्ड आते हैं इसी चीज़ में, डिटेल्ड सिलेबस में आते हैं, अगर मैं डिटेल्ड सिलेबस में आऊँ, ठीक है, तो डिटेल्ड सिलेबस में आप देखेंगे
कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो सेम यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस लेकिन आपकी बहुत ईजी है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिटेल्ड नहीं आता सीडीएस की तरह, लेकिन हाँ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर्स हैं, एनवायरनमेंट है, बेसिक साइंस है, डिफेंस, आर्ट, सारे एरियाज़ इन्होंने कवर करे हैं, ठीक है। आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ऑल एरियाज़ आर कवर्ड। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ तो अप टू द लेवल ऑफ 10th पूछा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, टाइम इन वर्क है, एवरेज प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन अप टू द लेवल ऑफ 10th, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के भी क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल एंड स्पेशल एबिलिटी आपसे पूछी जाती है, बहुत ईजी है, साफ साफ दिया है इन्होंने, स्टैंडर्ड जो है उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है दैट इज अप टू द लेवल ऑफ 10th, लेकिन जो अदर और क्वेश्चन हैं उनका ग्रेजुएशन वाला लेवल है, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट दिया है एफकैट और ईकेटी का, वो आप ज़रूर देखेंगे, जो नए बच्चे हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। सो करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डी ए सी डॉट इन और AFCAT.CDSE.IN में ही आपको आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रिफ़र ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए जो कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने मार्क किया है। तो इसमें एक तो एडमिट कार्ड है आपका बेटा, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, एक तो वो हो गया ऑनलाइन जो आप निकालेंगे, उसके अलावा कैंडिडेट का आधार कार्ड, चार चीज़ें चाहिए, नोट कर लेना बेटा, कैंडिडेट का आधार कार्ड, तीसरी चीज़ क्या चाहिए उसके अलावा, कोई और वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, जिसमें साफ साफ फादर का नाम हो, बच्चे का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो और क्लियर फोटोग्राफ हो। उसके अलावा दो पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ भी आपको ले जानी है और वो फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने अपलोड करी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा फिर कुछ लोकेशंस और सेंटर्स दिए हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप वो भर सकते हैं, ठीक है, जो आपके सिटी से जो पास सेंटर्स हैं वो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो पांच चॉइसेस देनी पड़ती हैं, तो ये सारे सेंटर्स हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इन्होंने सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बताया है, कुछ और इन्होंने डिटेल्स दिए जो आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा सच अभी जाननी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और SSB में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रिटर्न का बच्चों को बता रहे हैं, एंड देन सारी चीज़ें बताइए और फिज़िकल कंडीशनिंग के बारे में भी बात करिए, वो आप लोग देख लीजिएगा कि बच्चा रनिंग होनी चाहिए अप टू 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, स्किपिंग, पुशअप, सिटअप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख लीजिएगा, एंड देन मेडिकल के बारे में मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फाइनल हमने क्या टच किया था बेटा, फाइनली हमने टच किया था कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, व्हेन यू विल एंटर इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। जल्द से जल्द दिसंबर ही टाइम है जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो एज सून एज भरिए, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।